दिन त्योहारां दे दिनां विच शहर दी रौनक भी वेखण वाली हुंदी। इर्द गिर्द पिंडां दे लोक सिद्धा पत्ता, मिठाइयां, कपड़े ते होर खरीदो फरोख्त लई शहरां वल भजदे। दुकानदारां दी भी चांदी बनी रहिंदी। सड़कां ते वाहनां दी ते लोकां दी रौनक किसे मेले नालों घट नहीं हुंदी सी। नबीपुर तां वैसे भी 25-30 पिंडां नूं नेड़े पैंदे इक शहर सी। वड्डे वड्डे बाणियां, तनाड ते संतकारां इन्हां दिनां विच धार्मिक स्थानां ते दान करन वाली भी तुक्की कढ दिंदे सी। रामचंद्र, हनुमान ते सीता दियां बिजलियां बत्तियां नाल टिम टिम करदियां शीशे दे फ्रेमां विच जड़ियां फोटोआं नाल बाजार विच दीपमाला होण दा भुलेखा पैंदा। दशहरे वाले दिन रामलीला ग्राउंड विच रावण अते कुंभकर्ण दे बुतां नूं अग्नि भेंट हुंदा वेखण दी लोकां दा हड़िया जांदा। बच्चे, बुढ़े अते जवान खाण पीण दीआं दुकानां ते परवानां दा स्वाद माणदे, चंडोलां ते झूटे लैंदे, बच्चे खिडौने खरीददे। अंत विच रावण दे सड़ के राख हो जाण तक दूर नेड़े बैठ के उड़ीक करदे। नेकी दी बदी ते जित दा ई त्योहार भावें हुण मनोरंजन दे साधन लई रह गिआ सी, पर फिर भी रूह नूं हुलारा जिहा दिंदे इह दिन त्योहार मनाउण नूं हर घर हर जी साल भर उड़ीकदा रहिंदा। लाली, मीरा ते जुगनू भी सज संवर के रावण फूकणा वेखण जाण लई तैयार होए सी कि दरवाजे दे बाहर साइकिल दी टल्ली तो बाद अरल खड़कण नाल खड़का होया। मीरा ने भज के जाके आप गेट खोलिया तां इक चढ़दी उम्र दा मरचू जिहा मुंडा साइकिल कोल खड़िया बोलिया, मीरा है तू? आहो, क्यों लगदी नहीं? नहीं जी, जो हुक्म होया उही पुछ रहा हाँ। की हुक्म? किसदा हुक्म? मीरा ने वाला दा जूड़ा वलेटद्या पुछया। जी, डॉक्टर जसवीर ने तुहानू हुणे छेती न्यू लाइफ नर्सिंग होम विच बुलाया है। क्यों, मैं कि मुंडा जमना है जो हुणे नर्सिंग होम जावा? मीरा हैरानी ते टीचर परे लहजे विच अख मार के बोली, नहीं जी, जरूरी काम है, डॉक्टरनी साहिबा ने कहा कि उन्हानू फौरन बुलाओ। मुंडे दे बोलां विच अंतां दा डर ते गंभीरता सी। वह कहण सार ही साइकिल दा पैडल मारदा सवार होके वापस चला गया। डॉक्टर जसवीर नाल मीरा दा पिछले कई सालां तों वाह वास्ता सी। उस दे आप दे मुंडे दे जम्मण दी खुशी विच डॉक्टरनी ने महंत बुलबुल दी सारी टोली नूं सद के माण तान कीता सी, रजवीं वधाई भी दित्ती सी। कई वारी ढिल मठ दौरान मीरा ते लाली दवाई लैण भी डॉक्टर जसवीर कोल ही जांदियां। अजे कुछ दिन पहला ही तां लाली चैकअप करा के दवाई लैके आई सी। दुचित्ती विच घिरी मीरा सोच रही सी कि पहलां दशहरा देख के आवां जां फिर डॉक्टर ने दी गल सुन के आवां, पर उह जुगनू दे स्कूटर मगर बैठदी डॉक्टर जसवीर दे नर्सिंग होम मूहरे जा के रुकी। मीरा दे अंदर वड़दियां ही नर्सां ने खुसर पुसर जिही कीती। एक वड्डी उम्र दी नर्स ने मीरा दे कोल आ के कहा, तुहानूं डॉक्टर साहिबा ने कैबिन विच बुलाया। मीरा हुण सच्ची ही घबरा गई सी कि किते लाली प्रति ही कोई भैड़ी खबर ना होवे। अक्सर माजरा की होया? जुगनू नूं वेटिंग रूम दी कुर्सी ते बैठण लई आख के उह डॉक्टर जसवीर दे कैबिन विच जा वड़ी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, मीरा ने कहा। नमस्ते मीरा, आ बैठ, कुर्सी लै। फाइलां विच उलझी डॉक्टर जसवीर ने टेबल ते पई बैल मारी अते अंदर आई नर्स नूं इशारे नाल कुछ समझाया। कुछ पल बाद ही नर्स दे पिछे एक बुजुर्ग औरत अते एक चिट्टे कुर्ते पजामे विच 25 साल दा मुंडा दाखिल होए। देखण तो ही पता लग रहा सी कि उह मां पुत सन। दोहां दे चेहरियां ते चिंता ते घबराहट ते गाढ़े बदल छाए होए सन। उह अगे पिछे नजरां इउं घुमा रहे सन जिवें किसे शाही खजाने दा डाका मार के परते होण। बुजुर्ग औरत दोनों हथ चुन्नी विच लुको के घुटदी सी, जाणो कुछ कहना चाह रही होवे पर हिम्मत ना जुटा रही होवे। इन्हां दे घर अज तुहाडा जी जम्मिया मीरा, वड्डे आपरेशन नाल होया पहला बच्चा है। उसकी माँ तो अजे होश विच भी नहीं आई ते ना ही उसने बच्चे का मूँह मुहांदरा तकिया हले। ये दोनों माँ पुत बच्चे दे लिंग बारे जानदियां पहला ही कोई हिला करना चाहते ने, जे तुसी चाहो तो लजा सकते हो। डॉक्टर जसवीर ने साफ स्पष्ट गल मीरा अगे तरद्या कहा, होर इस तों अलावा कोई चारा भी तो नहीं, साडा जी है, असी केड़ा कुखों जमणे ने,
मैं तो हुणे चोली अड के पवा लैनी हाँ। अज दशहरे वाले दिन रब ने औलाद बख्शी है, कोई वजह तो जरूर होवेगी। कहंदी मीरा झट मन दे फैसले ते मोहर ला दित्ती। मीरा दी गल सुन के बजुर्ग औरत मुंडे वल वेख के मिन्ना जिहा मुस्कराई, जिवें जन्मा जन्मांतरां तो सिर ते पई बोझ दी पंड लथ गई होवे। देख मीरा, ई बच्चा देण वाले ने ते तू बच्चा लैण वाली। मेरा मकसद तां सिर्फ बच्चे दी सुखावी जिंदगी है, जो कि ना समाज ने ते ना ही ई मापिया ने दे सकनी है। तेरा ख्याल मेरे मन विच आउंदिया ही मैं इन्हां नूं पुछ बैठी ते ए राजी हो गए। हुण बाकी तुसी जाणो, तुहाडा काम जाणे। कह के डॉक्टर जसवीर गले विच स्टैथोस्कोप पाउंदी होई अगला मरीज वेखण लई कमरे विचों बाहर निकल गई। पर मीरा जी, एक गल दा वादा दिओ, मुंडा बोलिया जो कि बच्चे दा बाप सी। हाँ दस, की चाहना है? मीरा बिना उस वल तके ही बोली, इस गल दी पिणक इस कमरे विचों बाहर ना जावे, ना ही यह गल कदे वड्डे होए बच्चे नूं पता लगे। असी तां बच्चे दा जग विच जोना भी जाहिर नहीं करना चाहुंदे सी, इत्थों तक कि इसकी अपनी मां नूं भी नहीं पता ते ना ही दिखाउणा। क्यों चंद्रिया, उसनूं सबर किवें आऊ? मीरा बोली, नहीं जी, देखिया भाड़ा जी देना औखा हो जाऊ। एक बार कौड़ा कुट भर के सबर कर लू, रो पिट के हफ लू, रोज़ रोज़ मरण नालों उम्र भर दा नसूर पालण नालों ये फैसला मैनू सही लगता है। चल चंगा, जिवें तू आखी, तू पिणक दी गल छड, मेरा बच्चा मैनू दे ते तुरदी रह। मैं तेरे ते जां तू मेरे ते कोई एहसान नहीं कर रहा हाँ। वड्डा चौधरी, वादे मंग दे मेरे तो। जम्मण वेले चज नाल जम लैंदा तां तुत लवा के तू रब नहीं बन गया हाँ। मीरा दे बोलां च रुखापण ते कड़त्तण भाप के मुंडा सच नाल ही डर गया लगदा सी। लिया माई, की बिटर बिटर झाकदी है? मीरा आडर झाड़दी बोली। बजुर्ग माता चकवें पैरी कमरे विचों निकली ते गुलाबी तौलिए विच लिपटे जवाक नूं लिया के मीरा दे गोदी विच दे दिता। मीरा ने मत्था चुमया, हिक नाल लाया ते मूँह विच ही असीसां दित्तियां। बजुर्ग माता ने भोरा खसिली ना कीती। बच्चे दा बाप भी फटाफट कमरे विचों बाहर निकल गया। अंदरों भावें मन दुखी होवे पर चीरे तां इउं लग रहे सन जिवें मां पुत जवाक तों निजात पा के हल्के फुल वर्गे हो गए हुण। चल वल्लिया, जिन्हां ने सानू त्यागिया रब उन्हां दे घर फिर लालां दी जोड़ी देवे, रंग भाग लगण। आपां तां सोहणिया परिंदे हुन्ने आ, माँ बाप आपां बोटां नूं जम के बगाने अंबर दी हिक ते उड्डण लई छड दिंदे ने। चल भला होवे, 9 महीने कुख उधारी दे के पीड़ तां झलदे ने, ज्योंदे वसदे रहण अते आपां मां पुत अपनी नगरी वसीए। चल चलीए, अपनी गोरी कोठी उड़ीक रही है। कह के मीरा बच्चे नूं पोला जिहा हिक नाल लौंदी, नर्स दा धन्नवाद करदी काले कदमी कुंड कढ के नर्सिंग होम चों बाहर नूं तुर पई, जिवें कोई माँ बच्चे नूं डॉक्टर दे दिखाउण लई लियाई होवे। वेटिंग रूम च बैठा जुगनू वेख के हैरानी नाल बोलण ही लग्या सी कि मीरा ने चुप रहण दा इशारा किया। स्कूटर ते सवार तीनों जी मूँह हनेरे गोरी कोठी आवड़े। सूरज दी टिक्की ढल चुकी सी, आसमान विच पछम वाले पासे गहरी लाली छाई हुई सी। दशहरा ग्राउंड विच सड़दे रावण कारण पटाखियां दी आवाज नाल सारा शहर गूंज रहा सी। महंत बुलबुल हनेरे कमरे विच पई आराम कर रही सी। मीरा ने वड्डा बल्ब जगाउंदिया कहा, मुबारकां गुरु जी, उठो असीस दिओ, मैं मां बन गई हां ते गोरी कोठी दा वारस घर आया है। चुंदियाईयां अखां ते दुख दे नैण प्रैण कट्ठे करदी बुलबुल मसां ही उठ के बैठी ते मीरा ने बच्चा उसदी बुक्कल विच धरदियां कहा, ई गोरी कोठी दा चिराग हुण अपनी दादी कोलों असीसां लऊगा। मेरा पुत, मेरा चिराग, या अल्ला तेरा लख लख शुकर है, कहिंदी मीरा दे नैण मूँह नाल छलक आए। जुग जुग जीवे चिराग पुत्रा, रब तेनूं लम्मी उम्र दवे, तेरे नसीबां विच अमन चैन ते तरक्की होवे, तेनूं जनन वाली कुख गोदी लाल खड़ावे बल्लिया।
बुलबुल भी ममता ते वैराग नाल परी छम छम वरसन लगी। खुशी ते गमी दा एक अजब मेल सी। भुख दे मारे बच्चा गोदी विच पिया मूँह खोल के माँ दियां छातियां टोल रहा सी। गुलाबी पत्तियां वर्गा कोमल शरीर लत्तां बाहां मारदा अपना आप तोड़ रहा सी। पता नहीं नमोरे जहान विच आउण दा गम सी जां माँ दे नड़वे नाल विछड़न दी पीड़ सी जां फिर जणदियां तो दूर होण दा दर्द सी। मीरा ने होंका लैके आप दियां खाली ते बनौटी छातियां ते हाथ फेरिया ते गोदी विच लैके बच्चे नूं चुम्मण लगी। आप दी सुक्की हिक दा मठा जिहा निग वंडण लगी। ओए जुगनू, बाजारों जाके चुंगणी ते सुक्के दुध दा आ डब्बा लिया के कुछ कपड़े भी लैंदा ई। अंगी विच पाए बटुए चों 100-100 दे नोट कढ के फड़ाउंदी मीरा बोली। लाली भी भज्जी फिरदी आपदी पहुँच मुताबक हर संभव मदद करदी। दोनों जनियां वारी वारी रातां नूं जाग के चिराग नूं सांभदियां। ढिड विच गैस जां होर माड़ी मोटी ढिल मठ ते मीरा नूं हत्थां पैरां दी पै जांदी। सलामती लई सुखां सुखण लगदी। शहर ते वड्डे तों वड्डे चंगे डाक्टर नूं मोटी फीस दे के चिराग दा इलाज करवाउंदी। हुण उस नूं लोरियां दिंदी नूं नूरी ते मन्नू बहुत याद आउंदे ते कदे कदे यों लगदा जिवें कि जग ने दुरकारे होए मन्नू ते चिराग किसी जन्म विच भाई भैण होणगे ते फिर दुनिया ते आए होणे। एक न्याणा 100 सियाणा वाली कहावत अनुसार हुण चिराग दे गोरी कोठी विच आउण नाल रौनक दूण सवाई होगी। उस दियां किलकारियां चारे पासे गुंजण लगियां सन। सांवले जिहे रंग, मोटी मोटी अख वाला गोलू जिहा चिराग रोज नवें चौ सिखदा। कदे बहना, कदे रुड़ना ते कदे तुरना सिखदा। जिस दिन उसने अम्मी शब्द कहा सी, मीरा दी खुशी दी कोई हद ना रही सी। बच्चे नाल सब दा समा ही सौखा गुजर रहा सी। जिस दिन कदे बाहर वधाई लैण जाना हुंदा तां मीरा चिराग नूं लाली दे हवाले कर जांदी। गोदी चढ़िया खेड़दा चिराग जद भी लाली दियां छातियां टौंदा तां उसदे बदन विच अजब जिही बेचैनी छिड़ जांदी। अधूरेपण दा एहसास उसदी रूह नूं झंझोड़ दिंदा। इस सखणेपण नूं पूरन लई उह चिराग नूं घुट घुट के सीने लाउंदी, सोचदी कि काश ही छातियां विच्चों ममता वस दुध ही उतर आवे। रब दी इस रचन किरिया ते उसनूं अंतां दी हैरानी हुंदी अते अपनी तकदीर ते रह रह के गुस्सा आउंदा। महंत बुलबुल दी तबीयत हुण दिनों दिन निगड़दी जा रही सी। खाण पीण भी अद्धा ही रह गया सी। ब्लड प्रैशर, जोड़ां दा दर्द ते शुगर दे नाल नाल कई होर रोगां करके हुण उह मंजे नाल मंजा हो गई सी। कई कई वार बहुती कमजोरी होण ते हस्पताल जाणी पैंदी। कई कई दिन कट के जद घर मुड़दी तां मसां वल सिर पौंदी। हुण डाक्टरां ने हर वक्त निगाह थले रखण लई कह दित्ता सी, क्योंकि ब्लड प्रैशर वधण घटण नाल उह झट हत्थां विच आ जांदी, जिस करके दिल दे दौरे दा डर भी नकारिया नहीं जा सकदा सी। सर्दियां दी रुत उतर चुकी सी। कोहरे अते धुंद भरे दिनां विच सारा दिन अंदर ही डके रहना पैंदा। मंजियां तों रजाइयां सारा दिन ही ना चुकियां जांदियां। महंत बुलबुल दा तुरना फिरना तां बिल्कुल ही बंद सी। चिराग ते बुलबुल नूं सांभदे लाली, मीरा ते जुगनू कदे ही बिंद झट आराम करदे। महंत बुलबुल दा सारा काम मीरा आप करदी। टट्टी पेशाब वाले कपड़े धोने ते बदलने सब उसने अपने जुम्मे लै लिया सी। पूरी शिद्दत नाल सेवा करदी उह मनो मन सोचदी, करमा मारिया तू मसां लै दे के आही रिश्ते तां नसीब होए सन। देखी रब्बा किते भंगणा ना पा देवी। हिम्मत बख्श, मैं आखरी साहां तक खरी उतरां। जे इत्थे भी वफा ना पाली तां पता नहीं अगले जन्म विच केड़ा डंड लावेंगा। वैसे भी मीरा नूं बुलबुल तों मावां वाला प्यार मिलिया होण करके उसनूं उह सलमा दा दूजा रूप ही लगदी सी। इही तां इक रिश्ता सी जिसने कल्लियां ही किन्ने रिश्तियां दी खाई भर दित्ती सी। मीरा दा प्यार, मुहब्बत अते शिद्दत देख के बुलबुल बेबसी मारी अखां भर लैंदी ते दुआवां दिंदी, कहिंदी तू तां मेरी जान
ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਲਾਡੋ ਕਿਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾਂਗੀ। ਉਮਰ ਭਰ ਦੇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵੇ ਬੱਲਿਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਗਨੂੰ, ਕੋੜਾਮਲ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਨੁਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਫਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਦੀ ਧੁੰਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਮਈਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 'ਤੇ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਜੋਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1000 ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਨਬੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੀਰਾ, ਜੁਗਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋੜੇਮਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਖੁਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਮ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਵੀ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਗਮ ਕਾਫੁਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਉਂਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਵਰਗੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਸਿੱਧਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰਲੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਸੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਮੀਰਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸੁੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੰਤ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਫੋਟੋ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪ ਦੀ ਨਾਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ।